हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा और लल्ला। सो के आ चुके हैं और स्नान करने जा रहे हैं। जल ले लिया है, चंदन ले लिया है और थोड़ा सा दही ले लिया है लाला को स्नान कराने के लिए। नहाने से पहले लाला को हम अच्छे से पहले ऐसे 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 ऐसे, ऐसे शरीर को हल्का हल्का दबाएंगे। आप भी ऐसे करिएगा। हमने एक दो वीडियो में और भी शेयर किया है कि नहाने से पहले लाला को कैसे करना चाहिए। और लाला के हमें नेकर उतार दिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हथेली में जल लेंगे। लल्ला को ऐसे ऐसे करेंगे ताकि एकदम से जल डालने से लल्ला को ठंडक ना लगे, इसलिए हल्के हल्के पानी से पहले। और हल्का हल्का दही लीजिएगा, ऐसे ऐसे लगाइएगा। अगर आपके लाला श्रृंगार है, मतलब उनको श्रृंगार चढ़ा हुआ है, तो आप जो है यहाँ आँखों में मत लगाइएगा लाला के, और पूरे शरीर में लगाइएगा आँखों में। क्योंकि आँख जब श्रृंगार हो जाती है तो उनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम दही से मालिश करेंगे। ठीक है, लाला ये 5 नंबर के हैं हमारे लाला। ये देखिए, अच्छे से हल्के हल्के हाथों से लाला पैर में भी लगा देंगे। ये देखिए, दही लाला को प्रिय है ना माखन मिश्री। हाँ, स्माइल देखो, स्माइल लाला की। अब हम इस दही से हमने पूरी तरीके से लाला की मालिश कर दी है। अब जल से स्नान कराएंगे और तब लल्ला को और बेटर लगेगा। जैसे हम लोग साबुन से नहाते हैं, जैसे लल्ला को चंदन, तो अभी लल्ला का चंदन भी रखा है, लल्ला का चंदन से भी नहलाएंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे, ठीक है। ये देखो लल्ला को, देखो ले ले। तो अब ये लाला का पूरी तरीके से स्नान हो चुका है, चंदन से और दही से और जल से अभिषेक हो चुका है। अब लाला जा रहे हैं वस्त्र पहनने। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और लाला की कृपा से आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने अपने घर पे रहिए और कोई गलत काम मत करिए, किसी को गलत मत बोलिए, सबके प्रति उनमें अच्छे भाव रखिए, तो ठाकुर जी आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। राधे राधे।